जैगिनेन्द्र अंजलि बानम मार खम्मत कामना। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? पिछले साल अगर मैंने आपको दुख पहुंचाया हो तो बानम बार खम्मत खामना। आज क्या है? आज जैनों का समाज याचना दिवस है। खम्मन खामना, खम्मन खामना। आज क्षमायाचना दिवस है। क्षमायाचना दिवस क्या होता है? इस दिन पूरे वर्ष में अगर हमने किसी का दिल दुखाया हो तो हम उनसे क्षमा मांगते हैं। अगर किसी ने हमारा दिल दुखाया हो तो हम उन्हें माफ कर देते हैं। खमन कामना ना कहने पर क्या होता है? खमन कामना ना कहने पर सम्यक्त्व चला जाता है। सम्यक्त्व क्या होता है? सम्यक्त्व का अर्थ है तत्व का समझना। सम्यक्त्व होने पर क्या होता है? सम्यक्त्व होने पर हमारा मोक्ष का रिजर्वेशन प्राप्त हो जाता है। अच्छा भैया, पर आप तो मुझसे बड़े हैं, फिर खमत खामना क्यों? इसमें बड़े छोटे का कोई प्रश्न नहीं, बड़ों से ही तो छोटे सीखते हैं। यह आत्मा की शुद्धि के लिए किया जाता है। सॉरी तो हम तभी बोलते हैं जब हमसे कोई गलती होती है, तो अभी हम सॉरी क्यों बोल रहे हैं? सॉरी का मतलब है माफी मांगना, और खमत खामना का मतलब है माफी मांगना भी, और जिन्होंने हमारा गलत किया उनको माफ भी कर देना बिना उनकी माफी के। हाँ बिना उनके माफी के। भगवान महावीर ने क्या बोला है? क्षमा वीरस्य भूषणम। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है क्षमा वीर का, वीरों का आभूषण है। आसान शब्दों में क्षमा महान व्यक्ति ही कर सकते हैं, इसलिए तो हम ये त्योहार बनाते हैं आठ दिन का। ओ, इसलिए आठ दिन हम लोग कभी ना कभी खाद्य संयम दिवस करते हैं, कभी समायक दिवस, कभी मौन दिवस, ये सब दिवस हम लोग इसीलिए करते हैं। हाँ, ये सारे दिवस एक जरिया है हमारे मन की निर्जरा करने का, या हमारे मन को साफ करने का, इसीलिए हम ये त्योहार बनाते हैं। और हम खमत कामना भी बोलते हैं। खमाओ बारंबार सभी को। हाँ, इस तरह ये हम जैनों के पर्युषण की साधना है, जिसका अंतिम दिन हम समष्टि महापर्व के रूप में मनाते हैं, इससे हमारे कर्म हल्के हो जाते हैं। और हम चार गति 84 लाख जीव योनियों से खमत खामना करते हैं। खामेनी सब जीवे सव्वे जीवा खमन तुमे मित्ती में सव्व भुवेसु वेरम मज्जन केणई वेरम मज्जन केणई। जय जिनेंद्र।